दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींची पंकजा मुंडेंच्या परळीत जोरदार सभा झाली. या सभेत त्यांनी काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं, तसा मराठवाड्यातून दुष्काळ हटवणार असा नारा दिला. तसंच 370 बाबत टीका करणाऱ्यांचा मोदींनी चांगला समाचार घेतला. जनताच काँग्रेस राष्ट्रवादीला धडा शिकवणार असल्याची टीका त्यांनी केली. सभेपूर्वी मोदींनी वैजनाथचं दर्शन घेत आरती केली, पूजा केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत पंकजा मुंडेही उपस्थित होते. कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया. खो दिया है क्या भाई? खो दिया है क्या? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं व्यवस्था करता हूं. देश आजाद होने के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय देश पर राज किया, वो ऐसी बातें बोलते हैं? शोभा देता है क्या उनको? भाइयों और बहनों, मेरे पास कांग्रेस और उसके जैसे दलों के तमाम नेताओं के ऐसे बयानों की पूरी लिस्ट पड़ी है. साथियों, इन लोगों के बयानों, इनकी साजिशों को देश ने अब भली भांति देख लिया है. देश इन्हें इनके किए की सजा देगा. मराठवाड़ा में वॉटर ग्रिड बनाने की योजना एक बहुत प्रशंसनीय कदम है. जलयुक्त शिवार के कार्यक्रम में तो सरकार के साथ साथ आप सभी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है. सूखे के कारण जब शेतकरी समाज पर आपदा आई तो सरकार ने तत्काल मदद पहुंचाई. आपदा राहत हो या फिर फसल बीमा, हर प्रकार की मदद पहुंचाई गई. पूरे महाराष्ट्र में कुछ महीनों में ही करीब 2000 करोड़ रुपए शेतकरी परिवारों के खाते में जमा हो चुके हैं.